नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, बाल संरक्षण समिति और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अधिकारियों की टीम जनपद के 4 प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर 12 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। उन्हें सभी बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। बाल श्रमिकों के सेवायोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को देवेंद्र सिंह, शशिकांत पांडे, श्रम प्रवर्तन अधिकारी आजमगढ़, अभयराज मिश्रा, प्रभारी AHTU एवं विक्रमादित्य पाटिल की टीम ने जिले के नरौली, हरबंसपुर, रानी की सराय, मोहम्मदपुर बाजार में मिठाई की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, कैंटीन, ऑटो गैरेज, ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग मटेरियल आदि की दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में प्रतिष्ठानों दुकानों पर 14 वर्ष से कम आयु के 12 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया, जिसके बाद सभी बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। दोषी सेवायोजकों के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम विनियमन एवं प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत कार्रवाई में जुट गई है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने बताया कि शासन व जिलाधिकारी के निर्देश के बाद समय समय पर बाल श्रमिकों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है। आज चलाए गए अभियान में 4 प्रतिष्ठानों पर काम करते हुए 12 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया और उनके सेवायोजकों को नोटिस जारी की गई। श्रमायुक्त महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में श्रम विभाग, AHTU, पुलिस, NGO के द्वारा संयुक्त रूप से शहर के नरौली, हरबंसपुर, बेलैसा, रानी की सराय, लाहौरिया और मोहम्मदपुर में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 12 बाल श्रमिक और किशोर श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। उनके सेवायोजकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। आगे भी इस तरह के अभियान चलते रहे? ऐसे अभियान निरंतर पहले भी चलते रहे और आगे भी चलाते रहे। शासन की मंशा है कि अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को बाल श्रम से मुक्त किया जाना है। इस दिशा में श्रम विभाग और जो संबंधित विभाग हैं उन लोग कार्यवाही लगातार कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।